ये विद्यार्थियों, नीति कहती है धर्मार्थ कामा सममेव सेव्या यो हेक सक्त सजनु जघन्य, अर्थात धर्म अर्थ और काम रूप पुरुषार्थ त्रय का समान रूप से सेवन करना चाहिए। जो इनमें से किसी एक में आसक्ति रखता है वह निंदनीय है। महाकवि भारविकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत आने वाले इस प्रस्तुत पद्य में वनेचर ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर से कह रहा है कि दुर्योधन धर्म अर्थ काम संज्ञक त्रिवर्ग साधन में कभी प्रमाद नहीं करता। असक्त माराध्य तो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान् न बाधते स्य त्रिगुण परस्परम्। अन्वेह इसका, यथायथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य त्रिगुण गुणानुरागात सख्यम ईवान इव परस्परम न बाधते। यथायथम अवे शब्द है, इसका अर्थ है ठीक ठीक, उपयुक्त या जैसा चाहिए वैसा, अर्थात उचित रूप से। विभज्य, वी उपसर्ग भस धातु या प्रत्यय होकर विभज्य बनता है। विभज्य का अर्थ है विभाजन करके। समपक्षपात या पक्षपात इति पक्षपात, अर्थात किसी पक्ष विशेष में पातः, पात पत धातु से घ प्रत्यय होकर पातः शब्द बनता है, इसका अर्थ है गिरना, अर्थात आसक्ति विशेष को पक्षपात कहा जाता है। समह पक्षपातः यस्याम सा समपक्षपाता, बहुरी समास हो रहा है तया समपक्षपातया। समपक्षपातया का अर्थ है समान पक्षपात वाले। भक्त्या, भस धातु से तीन प्रत्यय होकर भक्ति शब्द बनता है, तृतीया विभक्ति एक वचन में भक्त्या। पूज्येश वनुरागो भक्ति इत्युपदेशः, अर्थात पूज्य जनों के प्रति अनुराग विशेष को भक्ति कहा जाता है। और यहाँ पर समपक्षपातया, यह भक्ति का भक्त्या का विशेषण है। समपक्षपातया भक्त्या, अर्थात समान पक्षपात वाले अनुराग से। असक्तम, असक्तम न सक्तम इति असक्तम, नए तत्पुरुष समास है। सक्तम शब्द बनता है संज धातु से त प्रत्यय होकर, ये क्रिया विशेषण है। आराधयत इस क्रिया का विशेषण है। असक्तम निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से। आराधयतः औपसर्ग णिजंत राध धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर आराधयत शब्द बनता है, और फिर ये आराधयतः अस्य का विशेषण है, इसलिए पुल्लिंग षष्ठी एक वचन में आराधयतः। आराधयतः का अर्थ है सेवन करते हुए। अस्य, अस्य सर्वनाम शब्द है जो दुर्योधन के लिए आया है। इस दुर्योधन के, त्रिगणः त्रयाणाम गणः इति त्रिगणः, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तीन का गण, गण यानी समूह, धर्म अर्थ काम रूपी पुरुषार्थ त्रय। यहाँ पर त्रिगण का अर्थ है धर्म अर्थ काम रूपी पुरुषार्थ त्रय। गुणानुरागात, गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः, तस्मात् गुणानुरागात। अनुराग शब्द अनुपसर्ग रंज धातु से कह प्रत्यय होकर बनता है। गुणानुरागात गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण। सख्यम, सख्यम सखी
शब्द से यत प्रत्यय होकर सख्यम बनता है, सख्युर्भाव सख्यम। द्वितीय एकवचन में सख्यम, इसका अर्थ होता है मित्रता, मैत्री, घनिष्ठता। ईवान, इण धातु से, गत्यार्थक इण धातु से वसु प्रत्यय होकर निपातन से पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में ईवान शब्द बनता है, इसका अर्थ है प्राप्त हुआ। ईव, ईव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है, इसका अर्थ है मानो। परस्परम, परस्पर, न बाधते, न निषेधार्थक अव्यय है, इसका अर्थ है नहीं, और बाधते धातु है क्रियापद है। बाध धातु से आत्मनेपद में लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है बाधते। बाधते का अर्थ है बाधा उपस्थित करता है, बाधा पैदा करता है, और न बाधते बाधा पैदा नहीं करता है। तो पद्य का अर्थ हुआ यथा यथम विभज्य, यथा यथम उचित रूप से विभज्य विभाजन करके समपक्षपातया समान पक्षपात वाले भक्तिया अनुराग से असक्तम अनासक्त भाव से निर्लिप्त भाव से आराध्यतः सेवन करते हुए अस्य इस दुर्योधन के त्रिगण धर्म अर्थ काम रूप पुरुषार्थ त्रय गुणानुरागात इसके दया दाक्षिण्य आदि गुणों के प्रति अनुराग होने के कारण सख्यम ईवान इव मानो सख्यम ईवान मित्रता को प्राप्त हुआ सा परस्परम परस्पर न बाधते बाधा पैदा नहीं करता है। भाव यह है कि दुर्योधन धर्म अर्थ काम रूप त्रिविध पुरुषार्थों का समान रूप से अनुष्ठान करता है। त्रिवर्ग में किसी के साथ वह पक्षपात नहीं करता, किसी का अनादर नहीं करता, तीनों का समान विभाग करके अनासक्त भाव से उनका सेवन करता है। इस कारण त्रिवर्ग परस्पर एक दूसरे का बाधक नहीं होता और कोई किसी का उपमर्दन नहीं करता। मानव गुणानुराग के कारण मित्रता को प्राप्त हुए की तरह एक दूसरे के पूरक बनकर तीनों बढ़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन भारतीय दृष्टिकोणानुसार मानव जीवन के चार लक्ष्य सुनिश्चित किए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं। इनमें मोक्ष तो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है ही, लौकिक जीवन के भी तीन लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ और काम। इनकी संतुलित उपलब्धि में ही मनुष्य जीवन की सफलता निर्भर करती है। मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु पुरुषार्थ त्रय में सामंजस्य स्थापित होना बहुत जरूरी है। यहाँ दुर्योधन के व्यवहार में इसी प्रकार के संतुलित दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है। दुर्योधन की अर्थव्यवस्था धर्म विरोधी नहीं है, न धर्म उसकी अर्थव्यवस्था में रोड़ा अटकाता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी तरह धर्म और अर्थ योजना में तृतीय पुरुषार्थ काम बाधक नहीं होता, और काम में अर्थात सुखोपभोग में भी धर्म या अर्थ रुकावट नहीं डालते। संक्षिप्त, दुर्योधन की नीति समन्वयवादिनी है, उसे आसक्ति और अभिनिवेश किसी में नहीं है। अनासक्त भाव से सबका समान रूप से दुर्योधन सेवन करता है। सख्यम ईवान इव कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी गुणी व्यक्ति के गुणों से प्रभावित अनुचर अपने स्वामी के हित का ध्यान रखकर आपस में नहीं टकराते हैं, वैसे ही दुर्योधन के सद्गुणों में अनुरक्त होने के कारण पुरुषार्थ त्रय भी बाधक नहीं बनते हैं। यहाँ पर सख्यम ईवान इव
यहाँ सख्य मित्रता प्राप्ति ही परस्पर बाधा भाव का हेतु होने से प्रस्तुत पद्य में हेतु प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत श्लोक वंशस्थ छंद में निबद्ध है। इति शुभम।